मैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। मैं भी नालंदा की ही भांति एक अभागा विश्वविद्यालय हूँ जो विदेशी आक्रांताओं की नफरत की भेंट चढ़ गया। भारत विश्वगुरु था जिसका अनूठा उदाहरण मुझ में देखने को मिलता है। मैं भी इतिहास में नालंदा की ही भांति एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रह चुका हूँ। एक समय मेरी प्रसिद्धि नालंदा से भी ज्यादा थी। मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था और जो इसमें पास होता था उसे ही यहां प्रवेश मिलता था। मेरी ख्याति सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। मेरे यहां कई विदेशी विद्वान भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। मेरे और नालंदा विश्वविद्यालय के बीच एक गहरा संबंध था। मेरे यहाँ के शिक्षक वहां पढ़ाने भी जाया करते थे और वहां के शिक्षक मेरे यहाँ पढ़ने भी आया करते थे और पढ़ाने भी। लेकिन मेरी ख्याति ज्यादा समय तक नहीं बची रह सकी और नालंदा विश्वविद्यालय के साथ मुझे भी बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और सदियों के लिए मेरी ख्याति जमीन के नीचे दब गई थी जो अभी तक पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ सकी। मैं अपनी जर्जर अवस्था में सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ हूँ। मेरा कुछ भाग तो बाहर निकाल दिया गया है लेकिन मेरे कुछ अंग अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं और मेरी आत्मा चीख चीख कर खिलजी द्वारा किए गए अत्याचार का बखान कर रही है। भारत हमेशा से एक आध्यात्मिक देश रहा है जहाँ शिक्षा केंद्र का इतिहास हजारों साल पुराना है। यूं तो देश के अनेकों कोनों में आज भी कई शिक्षा के केंद्र दफन है लेकिन बिहार शायद इस मामले में सबसे बड़ी कब्रगाह है जिसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। अगर बात करें गुप्तकाल की तो सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 415 ईस्वी से 454 ईसा पूर्व में यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पढ़ाई के लिए जावा, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और कोरिया से छात्र आते थे। इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय का अपना एक मकाम है। इसके करीब 350 साल बाद यानी 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी मेरी स्थापना की जो भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में था जिसे आप लोग आधुनिक युग का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कह सकते हैं। मेरी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय यहाँ प्रवेश पाना न सिर्फ विदेशी बल्कि भारतीय छात्रों के लिए भी बेहद कठिन होता था। छात्रों को मेरे यहाँ के विद्वान पंडितों की कसौटी पर खरा उतरना होता था जिससे जाहिर होता है कि यहाँ प्रवेश पाना इतना आसान नहीं था। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने अपनी किताब लामा तारानाथ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म में लिखा है कि राजा गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने कामरूप, गौड़, तिरहुत आदि क्षेत्रों पर 64 साल तक शासन किया। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने विक्रमशिला विहार के केंद्र में 108 मंदिरों के बीच एक विशाल मंदिर बनवाया था जहां शिक्षा देने का भी काम चलता था। इस काम के लिए वहां 100 से अधिक आचार्य और 1000 से ज्यादा विद्यार्थी थे। इनके खाने पीने और रहने का भी इंतजाम वही था। लेकिन प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी ने अपनी किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला में आचार्यों की संख्या 160 और स्थानीय तथा बाहर से आए छात्रों की संख्या करीब 10,000 बताई है। मैं बौद्ध महावीर स्थापना के करीब 4 शताब्दियों तक धर्म और अध्यात्म के मामले में पूर्व से एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाने लगा था जिसकी ख्याति न केवल भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया खासकर तिब्बत तक फैल चुकी थी जहां से बड़ी संख्या में छात्र मेरे यहाँ पढ़ने आते थे। मेरी प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरा स्तर नालंदा से भी ज्यादा बड़ा माना जाता था। मेरे यहाँ विहार का मुख्य सभागार विज्ञान कक्ष कहलाता था जिसमें 6 शाखाएं या महाविद्यालय थे जहाँ महायान, तंत्र मंत्र, योग, काव्य, व्याकरण, न्याय आदि विद्याओं में पारंगत छात्र अलग अलग विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करते थे। लामा तारानाथ के अनुसार इन महाविद्यालयों के प्रथम केंद्रीय द्वार पर रत्नव्रज, द्वितीय केंद्रीय द्वार पर ज्ञानश्री मित्र, उत्तरी द्वार पर भट्टार कनोरपम, दक्षिण द्वार पर प्रज्ञाकर पति, पूर्वी द्वार पर रत्नाकर शांति तथा पश्चिमी द्वार पर वर्गेश्वर कीर्ति द्वारा पंडित के रूप में नियुक्त थे। ये द्वार
पंडित ही छात्रों की परीक्षा लेते थे और इसमें पास होने पर ही लम्हा विहार में प्रवेश मिलता था। मैं हमेशा से ही पाल राजाओं के करीब रहा और यही वजह है कि मैं नालंदा, सोमपुरा व औदंतपुरी महाविद्यालयों की तुलना में हमेशा अच्छी स्थिति में रहा। नालंदा की चर्चा करते हुए प्रोफेसर जे एन समादार ने अपनी किताब द ग्लोरीज ऑफ मगध में लिखा है, क्योंकि विक्रमशिला राजा ने बनवाया था इसलिए इसके साथ राजशाही की उपाधि लगी रही। राजा की इस महाविहार के चांसलर हुआ करते थे और दीक्षांत समारोह में उपाधियां भी देते थे। राजा ही पंडितों और अन्य आचार्यों की नियुक्तियां भी किया करते थे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले मेरा तिब्बत के साथ खास संबंध था। तिब्बती छात्रों के लिए मेरे यहाँ अलग से छात्रावास की व्यवस्था थी जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। सुकुमार दत्त अपनी किताब बुद्धिस्ट मॉक्स एंड मॉनेस्ट्रीज ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि चीनी दस्तावेजों में जिस शानदार तरीके से नालंदा महाविहार की चर्चा की गई है, उसी अंदाज में तिब्बतियों ने अपने ग्रंथों में भी मेरा जिक्र किया है। नालंदा के काल में चीन और भारत के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध थे जो 8वीं शताब्दी के मध्य मेरे काल आते आते तिब्बत की तरफ मुड़ गए। यही कारण है कि कई मामलों में नालंदा की तुलना में मेरी अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई। प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी के अनुसार मेरी श्रेष्ठता और भव्यता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां नालंदा में एक प्रवेश द्वार था, वहीं मेरे में 6 प्रवेश द्वार थे। नालंदा की तुलना में यहां ज्यादा संख्या में विदेशी छात्र आते थे। मेरी शिक्षा के उच्च स्तर के बारे में एक खुदाई कार्य का नेतृत्व करने वाले ESI के निदेशक डॉक्टर BS वर्मा के अनुसार, जिस तरह आज के विश्वविद्यालय के संचालन के लिए परिषद या सीनेट होती है, वैसे ही तब भी शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए शिक्षकों का एक बोर्ड होता था। शायद यही वजह है कि राजा धर्मपाल ने खुद को दोनों महाविहारों का प्रधान नियुक्त कर दिया था। विक्रमशिला की स्थापना के बारे में तिब्बती ग्रंथों में लिखा है कि राजा एक बार अतिमचक पदघट्टा घूमने आए थे और वहां गंगा के किनारे के सुंदर नजारे पर इतने ज्यादा मोहित हो गए कि उसी समय उन्होंने यह एक विहार बनाने का फैसला कर लिया। प्राचीन काल में मेरे यहाँ की पहाड़ियों और गुफाओं में साधु संत तथा योगी ऋषि तपस्या करते थे। बंगाल असम में सुदूर पूर्व के मार्ग पर स्थित होने के कारण पूर्व व पश्चिम के बीच पत्थरघट्टा, जो अब बटेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, का ऐतिहासिक महत्व रहा है। यही कारण है कि चीनी यात्री ह्योनसांग, तिब्बती बौद्ध भिक्षु नागस्तो, धर्मस्वामी व लामा तारानाथ से लेकर विलियम हॉजेस, फ्रांसिस बुकानन, विलियम फ्रैंकलिन जैसे विद्वानों ने इस क्षेत्र की यात्रा कर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का जिक्र किया है। आला दर्जे की पढ़ाई लिखाई के कारण अपने समय में मैं विदेश और देश के सांस्कृतिक तथा बौद्ध ज्ञान का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहाँ दूर दराज से विद्वान जमा होते थे और शैक्षिक एवं दार्शनिक विषयों पर चर्चाएं करते थे। यहाँ का पाठ्यक्रम एक बौद्ध विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार था। पठन पाठन के लिए निजी कक्षाएं यानी ट्यूलोरिस क्लासेस और सामूहिक कक्षाएं दोनों सिस्टम प्रचलित थे। दाखिला मिलने के बाद शुरू में हर छात्र को कुछ समय के लिए एक एक भिक्षु की देखरेख में रखा जाता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार गुरु के लिए शिष्य पुत्र समान होता था। बुद्ध ज्ञान पद मेरे संस्थापक शिक्षक थे और उनके समय से ही मेरे यहाँ बेहद ज्ञानी आचार्य और विद्वान नियुक्त किए गए थे। वारेंद्र के जेतारी, कश्मीर के रत्न ब्रज और शाकेश्री, बनारस के बागेश्वर, नालंदा के विरोचन, आदंतपुरी के रत्नाकर यहाँ के प्रतिष्ठित आचार्य थे। तिब्बतियों ने यहाँ रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री मित्र, नरोपंत, वीर व्रज, विद्या कोकिल सहित दीपंकर, श्री ज्ञान, आतिश जैसे आचार्यों का जिक्र किया है। मेरे विद्वानों की मंडली में आचार्य दीपंकर सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे जिनके पास ज्ञान का भंडार था। भारत में उन्हें बौद्ध धर्म का अंतिम प्रमुख आचार्य माना जाता है। तिब्बत के राजा के आमंत्रण पर उन्हें 13 साल तक वहां रहकर बौद्ध धर्म में त्रुटियों को सुधारने और धर्म के पुनर्स्थापन का काम किया और इसी कारण बौद्ध धर्म के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बत में वे बुद्ध के दूसरे अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। मेरे यहाँ बौद्ध धर्म की पढ़ाई लिखाई के अलावा व्याकरण, अध्यात्म, तर्कशास्त्र, हेतु विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य शिल्प, स्थान विद्या आदि की भी पढ़ाई होती थी। इसके संस्थापक राजा धर्मपाल की 8000 श्लोकों वाले महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा में विशेष आस्था थी और यही वजह है कि उन्होंने जो
55 बौद्ध केंद्र स्थापित किए थे और उनमें से 35 प्रज्ञा पारमिता के अध्ययन के केंद्र थे। मेरी मान्यता मंत्रयान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में रही है। भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार बौद्ध मत पर तंत्रवाद के अत्यधिक प्रभाव के कारण ईसा के बाद 7वीं शताब्दी में एक नई शाखा वज्रयान का जन्म हुआ, जिसका केंद्र पूर्वी भारत में था। द वंडर दैट वॉज इंडिया के लेखक इतिहासकार E.L. बासम का मानना है कि 8वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में वज्रयान के नाम से एक तीसरे यान का जन्म हुआ, जिसे बेहतर रूप में बौद्ध महाविहार विक्रमशिला के आचार्यों ने तिब्बत में स्थापित किया। धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के साथ साथ मैंने स्थापत्य और मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अपनी खास पहचान बनाई। बंगाल के साथ मेरे यहाँ के भिक्षुओं ने धार्मिक भवनों की सजावट और मूर्ति निर्माण की एक नई शैली बनाई, जो पूर्वी भारत की मगध बंग शैली के नाम से जानी जाती है। नालंदा की तरह यहाँ भी पांडुलिपि चित्रण के विशिष्ट प्रतीक विकसित हुए। यहाँ अनुवाद का काम भी बड़े पैमाने पर होता था। सुकुमार दत्त के अनुसार तिब्बती धर्म सूत्र संग्रहालयों में मौलिक अथवा संस्कृत से अनुवादित ग्रंथों की अच्छी खासी संख्या है। इसका श्रेय मेरे ही आचार्य दीपंकर सहित यहाँ के अन्य 13 आचार्यों को जाता है। यहाँ पांडुलिपियों को विशेष पद्धति से वातानुकूलित पुस्तकालय में सहज कर रखा जाता था, जो जाहिर है वहाँ के तकनीक कौशल को दर्शाता है। सुदूर तिब्बत की पहाड़ी कंदराओं और गुफाओं में संरक्षित रह गई इन पांडुलिपियों के कारण ही लुप्त प्राय समय और बौद्ध धर्म का इतिहास फिर विश्व के सामने आ गया। मैं 8वीं शताब्दी में अपनी स्थापना के बाद करीब 400 वर्षों तक धर्म, अध्यात्म और ज्ञान के क्षितिज पर अप्रतिम ज्योति बिखेरने वाला यह महाविहार पूर्वी भारत के अपने समकालीन नालंदा, औदंतपुरी और जगदल्ला की तरह मठवासीय विश्वविद्यालय यानी मोनास्टिक यूनिवर्सिटी का अंतिम उत्कृष्ट उदाहरण था। लेकिन विडंबना यह है कि 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्कों के आक्रमण से है पूरी तरह से नष्ट हो गया। करीब 800 वर्षों तक ये पृथ्वी के गर्भ में इस तरह से खो गया कि विद्वान इसके नामो निशान को लेकर महज कयास लगाने पर मजबूर हो गए। इस तरह लंबे अंतराल तक उपेक्षित पड़े रहने के बाद 1960 से 1969 तक पटना विश्वविद्यालय के डॉक्टर B.P. वर्मा और उसके बाद 1971 से 72 से लेकर 1982 तक की अवधि में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक डॉक्टर B.S. वर्मा के नेतृत्व में की गई खुदाई के बाद ही पूरी दुनिया के सामने मैं फिर से प्रकट हो गया। अभी तक मेरे मुख्य स्तूप की ही खुदाई हो सकी है और मेरा विशाल रूप अभी भी जमीन के सीने में दबा रोशनी की राह देख रहा है, जिसका पता नहीं कब जीर्णोद्धार होगा और कब मुझे इस कब्र से बाहर आने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपकी की गई कोशिश रंग लाएगी और विलुप्त तो हो चुके मेरे इतिहास के बारे में सभी को पता चल सकेगा। दोस्तों, हमारा भारत देश हमेशा से ही विश्वगुरु रहा है और इसका इतिहास इस देश के मिट्टी के जर्रे जर्रे में देखने को मिलती है। विदेशी आक्रांताओं ने आकर यहाँ सब ध्वस्त कर दिया, लेकिन उस दबे हुए इतिहास को और भी दबाने में हमारी सरकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसको कभी खंगालने की जहमत ही नहीं उठाई और हमारा असल भारत क्या था वह कभी किसी के सामने नहीं आ पाया और विदेशी विद्वानों या अंग्रेजों द्वारा थोपा गया इतिहास ही आगे से आगे चलता रहा। अभी भी आपको जगाने की आवश्यकता है, आपको जागने की आवश्यकता है और बरसों से चली आ रही इस परिपाटी को बदलकर अपने स्वर्णिम इतिहास को सबसे प्रमुख रखने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।